हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने 295 उम्मीदवारों में 56 का काटा टिकट कटने के डर से ही भाग गए थे स्वामी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 295 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, जिसमें 56 विधायकों का टिकट काट चुकी है। उनके स्थान पर नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। शुक्रवार को बीजेपी ने 91 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। 56 विधायकों का टिकट कटना भाजपा का चौंकाने वाला फैसला था। बीजेपी ने अब तक जितने टिकट काटे हैं, उनमें सबसे अधिक गोरखपुर मंडल में 11 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, जबकि 15 नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है। पिछली बार जिन 4 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हार गए थे, वहां भी उनकी ही बिरादरी के नए चेहरों को मौका दिया गया है। यानी जातिगत समीकरण में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टिकट वितरण में भाजपा ने कई चौंकाने वाले फैसले किए हैं। बीजेपी ने गोरखपुर रीजन में 11 वर्तमान विधायकों का टिकट इस बार काट दिया है, जबकि 15 नए चेहरों को जगा दी गई है। बीजेपी के इस फैसले पर उसके अपने नेता भी हैरानी जता रहे हैं। बीजेपी सूत्रों के अनुसार बीजेपी विधायकों के परफॉर्मेंस और सत्ता विरोधी लहर के कारण उनका टिकट गया है। बीजेपी छोड़कर साइकिल पर सवार होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे विधायकों मंत्रियों को भी टिकट काटे जाने की भनक लग गई थी, इसलिए उन्होंने एन चुनाव से पहले पाला बदल लिया। गोरखपुर मंडल की 62 सीटों में से जिन 11 विधायकों का टिकट काटा है, उनमें से कुछ की आयु भी अधिक होने से इस बार मौका नहीं दिया गया। गोरखपुर भाजपा के एक नेता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र में बोलबाला है, योगी ही इस चुनाव के लिए सीएम और पार्टी का चेहरा है। 2017 में स्थिति अलग थी, जब वो केवल एक सांसद थे और संगठनात्मक मामलों में उनकी सीमित पहुंच थी। उस समय केशव प्रसाद मौर्य यूपी भाजपा के प्रमुख थे और राज्य महासचिव सुनील बंसल गोरखपुर सहित राज्य इकाई की ओर से प्रमुख निर्णय लेते थे। अब योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद और दिनेश शर्मा स्वतंत्र देव सिंह मिलकर निर्णय लेते हैं। वैसे अंतिम निर्णय केंद्र नेतृत्व का ही होता है। जागरूक टीवी की लखनऊ से खास रिपोर्ट।